फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मसाला हो चुका है रेडी। कितना तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने तवा चढ़ा दिया, तवा हो गया गर्म। अब डोसा फ्रेंड्स अब इसमें आलू भर देंगे जितना आपको भरना है अपने हिसाब। फ्रेंड्स ये देखिए हो चुका है आज का ब्रेकफास्ट रेडी मसाला। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सभी को नमस्कार जोहार। फ्रेंड्स आज फिर से लेके आए हम नया रेसिपी, ये बिल्कुल अलग है, साउथ इंडियन डिश है। तो फ्रेंड उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। पता है हमने उड़द दाल और चावल सुबह से भिगो के रखा था, अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं रात को 11:30 बजे ये पीस रही हूँ। तो पीस के अभी पीस के इसको रखूँगी, उड़द दाल और इसमें चावल है, अच्छे से इसको पीस के रात भर छोड़ना होगा बाहर। तो ये नीला दुपट्टा पीला सूट कहाँ चली तू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपने देखा था रात में हमने सब पीस के रखा था। मैंने ये भी बोला था आपको कि साउथ डिश बनाऊंगी, तो फ्रेंड्स आज बनाने जाएंगे डोसा। तो डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू बॉईल करके रखा है, तो मैं इसको छील के रख लेती हूँ। और इधर आइए फ्रेंड्स ये देखिए मैंने प्याज और दो हरी मिर्च और एक प्याज कटिंग करके रखी हूँ। तो पहले हम आलू का ये मसाला तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने बॉईल आलू को छील के इस तरह से एकदम छोटे छोटे कट कर लिए हैं और प्याज और हरी मिर्च है, तो इसका पहले मसाला तैयार करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स ये पैन हमारा हो चुका है गरम, अब इसमें डाल देंगे सरसों का तेल और सरसों का तेल भी थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने सरसों का तेल डाला है, तो सरसों का तेल भी हो चुका है गर्म, अब इसमें डाल देंगे ब्लैक वाला सरसों। सरसों भी थोड़ा सा चटकार आ रहा है उसमें, और हम ये इसमें डाल दिए प्याज हरी मिर्च साथ में, इसको हल्का ब्राउन होने देते हैं। तो फ्रेंड इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, पर कड़ी पत्ता अभी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे भी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। अच्छे से इसको हल्का ब्राउन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, इसमें ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डलेगा, हल्का सा हल्दी पाउडर आ गया और मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा टेस्ट आएगा, चटपट लगेगा। मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। इसको फटाफट से मिला लेंगे और जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा ही फ्राई नहीं होगा, ऑलरेडी गरम है तेल, तो फटाफट से मिला के फटाक से डाल देंगे इसमें आलू। अब आलू के साथ पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर देंगे। ये थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ ये भी होएगा चूरा चूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा से मसाला हमारा बस होने ही वाला है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मसाला हो चुका है रेडी, कितना यम्मी लग रहा है। अब मसाला डोसा बनाना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं डोसा बनाने का प्रोसेस कैसे बनाना है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बैटर जो हम रात को इसको पीस के रखे थे, तो इसको थोड़ा ये गाढ़ा लग रहा है डोसा बनाने के लिए, तो इसको पतला कर देंगे थोड़ा पानी देके, पानी डाल के अच्छे से पूरा मिक्स करना है और इसमें डाल देंगे हल्का सा नमक। तो इसमें नमक भी हमने ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फिर डोसा बनाना मैं शुरू करूँगी, आपको दिखाऊँगी कैसे बनाना है। अच्छे से पूरा मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने तवा चढ़ा दिया, तवा हो गया गर्म, अब डोसा बनाना फाइनली मेन सबसे है यही कि डोसा कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स डोसा आपको दिखाऊंगी, मसाला हमने तैयार कर दिया, डोसा आपको मैं दिखाऊंगी कैसे बनाना है। उससे पहले चटनी तो बताना है ना कैसे बनाना है, तो चटनी बनाने के लिए ये तवा हो चुका हमारा गरम, तो इसको मूंगफली को थोड़ा सा कर लेंगे रोस्ट, ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए, फिर इसकी बनेगी चटनी। फ्रेंड्स अब बनाएंगे चटनी, तो हमने ये मूँगफली रोस्ट करके रखा है, उसमें दो हरी मिर्च और लहसुन
और इसमें अपने स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। अब इसको मिक्सी में पीसना है तो थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे। पानी डाल के अब इसको पीसते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने चटनी को अच्छे से पीस लिया है, कितना यमी लग रहा है ये। अभी थोड़ा सा इसमें छौंक लगाना, इसमें तड़का लगाना बाकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ तब चटनी रेडी होगा। अभी हमने बस पीस के रखा है। फ्रेंड्स ये देखिए हमने ये डब्बू चढ़ा लिया इसमें, तो ये गरम होने देते हैं थोड़ा सा। ऑलरेडी लगता है गरम हो ही गया है, जल्दी हो जाता है। और इसमें ये आ गया सरसों का तेल, तेल भी गरम होने देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें डाल दिया हमने सरसों, चटकार आने देते हैं सरसों में मस्त वाला। तो सरसों के साथ अब इसमें डाल देंगे एक साबुत लाल मिर्च। देखिए फ्रेंड्स बढ़िया से हो गया है, छोक लग चुका है। अब इसको डायरेक्ट डाल देंगे चटनी के ऊपर। अब आएगा मजा। तो ये फ्रेंड्स इसको मिक्स कर देंगे बढ़िया से। देखिए जो आ रहा है ना इसमें, इसका टेस्ट और बढ़ गया चटनी का। ये देखिए फ्रेंड्स अपग्रेड हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा चटनी रेडी हो चुका है, और अब आपको दिखाएंगे कि डोसा कैसे बनेगा। तो बेटू बताएगा टेस्ट करके, आज मसाला डोसा चटनी बेटू दिखाएगा टेस्ट करके। फ्रेंड्स तवा हमारा हो चुका है गरम, ये देखिए बैटर भी बहुत अच्छे से हो गया है। तो अब डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो ये गया प्यार से, जितना आपको बनाना है बड़ा छोटा अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। इसको पूरा अच्छे से राउंड राउंड कर देंगे। फ्रेंड्स पता है मेरे बेटू को ना डोसा बहुत पसंद है, पर बाबू ही वीडियो शूट कर रहा है, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं की हूँ फ्रेंड्स। तो आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको अभी एक तरफ से अभी अच्छे से पकने देते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हल्का सा ऊपर से इसमें तेल डाल देंगे। पहले तेल इसलिए डालें क्योंकि ये नॉन स्टिक दवा यूज़ कर रहे हैं, तो हल्का सा ऑयल डालना है। तो थोड़ा सा और होने देते हैं अच्छे से, ताकि पूरा अच्छा कलर आ जाए। तो फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं पलट के कि कैसा हुआ है। तो ये हमने साइड साइड से पूरा अच्छे से करना पड़ता है। तो इसको पलट के देखते हैं क्या रंगत आया है। वाओ वाओ मस्त है ना। हाँ हाँ, तो हल्का सा उस साइड से भी होने देते हैं। फ्रेंड्स अब इसमें आलू भर देंगे, जितना आपको भरना है अपने हिसाब से। मसाला हमने तैयार करके रखा था, ये रहा आलू। ये हम बना रहे मसाला डोसा। आप प्लेन डोसा भी बना सकते हो फ्रेंड्स। मम्मा ये वाला मेरा है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं अपने बेटू को दूंगी। तो ये मसाला अच्छे से हमने भर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स तो मस्त है। तो ये डोसा हमारा हो चुका है रेडी। फ्रेंड्स ये देखिए हो चुका है आज का ब्रेकफास्ट रेडी, मसाला डोसा सांबर और चटनी। तो फ्रेंड्स सांबर का मैं आपको रेसिपी नहीं दिखाई थी, क्योंकि सांबर का ऑलरेडी पहले दिखा चुके हैं, आपको बता चुके हैं, ब्लॉग में भी आ चुका है। तो इसलिए आज डोसा और चटनी का बताई हूँ। अभी यहाँ पे है बेटू बैठा हुआ, पूरा इसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। और इसका ये फेवरेट डिश है, इसको ना साउथ डिश बहुत पसंद है, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया। तो बेटू अब खा के बताएगा कि कैसा बना है। आराम से। तो ये गया बेटू के मुंह में, अब बेटू बताएगा कि कैसा बना है। बहुत अच्छा लगा, बस मुझे खाने दो, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स बेटू को तो अच्छा लगा टेस्ट, तो बेटू तो खा रहा है। मैं और बनाने जाती हूँ, अभी हम लोग भी ब्रेकफास्ट करेंगे।
तो बेटू को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो क्या करना है इस चैनल को? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।